दी। औरंगाबाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वीकार किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रही वृद्धि से जनता पे बोझ बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोषी नहीं है। नित्यानंद राय ने शुक्रवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के पीछे असली वजह रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध है। रूस के कारण केंद्र सरकार को देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक कीमत पे कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि का सीधा असर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पे पड़ रहा है और न चाहते हुए भी मूल्य वृद्धि करनी पड़ रही है। इसके बावजूद पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर अन्य जरूरत की चीजों की कीमतें नियंत्रण में है। आज एलपीजी गैस की कीमत में हुई 250 रुपए की वृद्धि पे इस बात को दोहराते हुए कहा कि यह सब युद्ध का असर है। लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जब युद्ध होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होती है और आज जो भी कुछ हिंदुस्तान में कुछ चीजों का काम हो रहा है वह युद्ध का प्रभाव है। अमेरिका एक बड़ा देश है, बढ़ा है उसका प्रभाव, लेकिन यही भारत है कि हाँ एक ही विद्यार्थियों को निकाल कर यूक्रेन से लाया भी है और दुनिया के लोगों को और पाकिस्तान जैसे लोगों को भी वहां के विद्यार्थी को अपने जान बचाने की बात आई है, तो फिर हिंदुस्तान का तिरंगा ही उसको काम आया है। दूसरा, एक तरफ महंगाई ठीक है गैस का बढ़ा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जो चीज है कि कोई हमारा भूखा नहीं है तो गरीबों को छह महीना का अनाज भी बना है। तो सवाल करने वालों को तो बातों के पक्ष को कह रहे हैं कि युद्ध के कारण कुछ चीजों की महंगाई हुई जरूर है, लेकिन हमारे देश के लोग भूखे